Assalamualaikum, welcome to my new vlog Farzana Cooking. आज हम जा रहे हैं KFC. हमारा प्लान अभी बना नहीं था KFC जाने का. यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे हम कौन सी डेस्टिनेशन पर जाएं, KFC जाएं भेड़े जाएं, क्योंकि मेरा क्या मैं सोच रही थी कि हम भेड़े जाएंगे लेकिन उधर जाने में काफ़ी टाइम लगता है. इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम KFC ही जाएंगे. मैं और मेरी कज़न, मेरी सिस्टर और हम सब ने अबाया पहना और आज फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में अबाया पहना है. ठीक है, और देखते जाएं आप यहाँ का माहौल. ये मेरी कज़न और सिस्टर है और उसके बाद आगे भाई बैठा हुआ है. हम भाई के साथ गए थे और यहाँ पर हम थोड़ा सा सोच रहे थे कि बार बार ये कि कौन जाएगा कौन नहीं. यहाँ पर मैं शौकियाँ मार रही थी, ये मैंने वॉच दिखा रही थी, ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी. कुछ चीज़ें दराज की अच्छी आ जाती हैं और कुछ उतनी ही बेकार आती हैं. और मतलब कि मैंने जो चीज़ें भी मंगवाई थी दराज से वो काफ़ी हद तक अच्छी आई थी. यहाँ पर मेरा भाई सॉन्ग लगा के बैठा हुआ था गाड़ी में, फुल माहौल बना के. और उसके बाद क्योंकि माहौल की इसलिए मैंने वो नहीं की आवाज़, मतलब के नहीं रखी, क्योंकि इसमें हम लोग काफ़ी बोल रहे थे कुछ कुछ जो सुनने के लिए नहीं था आप लोगों के. यहाँ पर फिर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम कहाँ जाएं. तो यहाँ पर फिर हमें ड्राइवर अंकल ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है जाने में, मतलब के 1.5 घंटा लगता है जाने में और 1.5 ही घंटा मतलब आने में भी उतने 3 घंटे लग जाएंगे. तो सहरी से बाद मतलब 3-4 बजे आप लोग वापस घर आओगे. फिर हमने कहा नहीं नहीं, हम लोग फिर KFC डिसाइड कर लिया. और यहाँ पर फिर आई थिंक इसको पता नहीं क्या कहते हैं, यहाँ पर पर्ची वगैरह देते हैं जो भी, मुझे इसका कोई नहीं पता. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग फिर सोचने लगे कि हम किधर जाएं. फिर फाइनली डिसाइड हो गए कि हम KFC ही जाएंगे. और यहाँ पर फिर हम KFC गए और KFC जाकर हमने क्या किया, हम लोगों ने उधर जो हल्ला गुल्ला किया, मीन्स के हम लोगों ने बहुत, हमारी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी, मतलब कि हम लोगों ने कोई हद से ज़्यादा शोर शराबा किया. और हम ये देखें, तीन हम थी और एक छोटी सिस्टर थी और भाई की, हम अपने भाई के साथ आए थे. यहाँ पर सिस्टर कहती मैं बनाती हूँ थोड़ा सा व्लॉग, मैंने कहा बस कर दो. और यहाँ पर फिर हम अंदर आ गए और अंदर आने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी व्लॉग की क्लिप्स वगैरह ली. यहाँ पर मेरा भाई और सिस्टर यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटो शूट चाह रहा था. फ़ोटो शूट करते करते हमारा ऑर्डर भी आ चुका था और ये थी बाकी कज़न की, क्योंकि वो बर्गर खाती नहीं है. और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी जो भी कह लें आप लोग. और आपको दिखाते हैं क्या कुछ था इसमें. ये तो आई थिंक वो होती है ना नंबर टोकन, आई थिंक कोई होता है, मुझे इस तरह कोई नहीं पता क्योंकि मैं ऑर्डर एक से दो दफ़ा ही देने गई थी जस्ट. और उसके बाद यहाँ पे मैं भूल गई थी खोलते कहाँ से. और फिर यहाँ पे खोले बर्गर वगैरह थे और विंग्स वगैरह थे अंदर. और यहाँ पर बकेट वगैरह थी तर विंग्स की. और दूसरी तरफ मेरा भाई और सारे लड़ रहे थे एक दूसरे से जगह बनाने के लिए. मेरा भाई कहता है पहले अंकल ड्राइवर को मैं देख के आता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग खाइएगा. और यहाँ पर फिर हमने ठीक किया, हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया और भाई ने सीट भी चेंज कर ली. कहता है आराम से खाता हूँ मैं. और यहाँ पर जैसे ही हम लोग गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे, मैंने कहा थोड़े माहौल की भी वीडियो बना लेते हैं. और यहाँ पर मेरी सिस्टर कहती बस कर दो, यहाँ का माहौल इस टिशू की तरह और चुप कर जाओ. और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे गौर से देख रहे थे हमें और हम लोगों की तो हंसी नहीं रुक रही थी. यहाँ पर सिस्टर टिशू चोरी करने लगी, मेरे का ना बहन चोरी ना करे, किसी ने देख ले बड़ी बेइज्जती होनी है. और यहाँ पर फिर हम बाहर आ गए, बाहर आके हम लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाई, टिकटॉक्स आई थिंक बनाई और उसके बाद पिक्चर्स वगैरह क्लिक की. और यहाँ पर फिर हम लोगों ने कहा चलो अब हम गाड़ी में बैठ जाते हैं. यहाँ पर मेरी सिस्टर कहती है मैं तुम्हारा तो क्लिप थोड़ा सा लेके जाती हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बना था. यहाँ पे अंकल ड्राइवर कह रहे थे जल्दी बैठो. यहाँ पे सिस्टर भागती है मुझे मोबाइल दे दे, मैं अपने मोबाइल में पिक्चर्स वगैरह कर लेती हूँ सारी इससे पहले कि भाई मोबाइल ना हमें वापस दे. और फिर हम लोग गाड़ी वगैरह में बैठ के, और थोड़ा सा ही सफ़र था 2-3 सेकेंड का, वो भी फिर हम लोगों ने गाड़ी पे किया. ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बहुत वो हैं कि हमसे इतना चला जाता है. यहाँ पर मेरा भाई और अंदर जा रहे, अंदर जा के जो भी होगा आप लोगों को वो सुनना ही पड़ेगा. यहाँ पर मेरा भाई अंदर गया और बता रहा था हम लोगों ने यहाँ से कॉफ़ी बच्चों ने लेनी थी. और यहाँ पर मैं बता रही थी कि ये मुझे पसंद बहुत है, प्रिंगल्स ही कहते हैं ना इसको शायद, ये कहते हैं. ठीक है ना, यहाँ पर मैं बार बार वही जूम कर रही थी कि मुझे भाई ले देगा, लेकिन मेरा माशाल्लाह से भाई बहुत अच्छा है, बस मज़ाक उड़ा रहा था बच्ची का क्योंकि उसने कुछ और कह दिया था इसकी जगह. ठीक है ना, और यहाँ पर फिर मैं चुप होती बाकी मेरा भाई बोलता जाएगा. अच्छा, यहाँ पर ना मैं क्लिप ले रही थी कॉफ़ी कैसे बनाते हैं. और यहाँ पर
इतनी मैंने कोशिश की है कि मुझे पता चल जाए कि कॉफ़ी कैसे बनाते हैं ताकि मैं देख सकूं, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लिप काफ़ी लेने की कोशिश कर रही थी लेकिन नाकाम रही क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो ब्लॉगर है ये, देखो एक में चाय है, बहुत देर से आपके नहीं आएंगे भाई, जरा हेलो करना भाई, इतने प्यारे हो आप, नहीं उधर उधर हो जाओ यार, तुम पूरी जगह ले लिए इकट्ठी करके, ब्रो वाला ब्रो ने भी दे दो वो चिप्स, कितने की है ये लो भाई, गरम दे दो, अच्छा ले अच्छा वाली लेके हम छोड़ने के लिए थे, चल इतना शोर ना करो ज़्यादा, और एक टी भी चाय दे दो, तीन ही चाय भाई, तीन ना देना चाय, ठीक है उसका कहने का कुछ और मतलब तुम्हें समझ नहीं आई पागल, क्या खाना बताओ है ये नाम कैसे था, किसने करा, मेरे पास मुझे पापा ने बोला कि पापा ने बोला पैसे दे रहे चिप्स पैकेट वाले, मेरे को कह रहे पैसे नहीं, मैंने इन दू देने नहीं गल जी रखी, अभी लूट रहे हो मुझे, दे दो पापा ने जाकर ले ली, मेरे को तुम, मैंने कहा मैं तुम्हें ले दूंगी तुम दे दे, नहीं दे दो ना, तुम खुद ले लेना, पापा दिए ना ₹10 लग गया है, वो नहीं तो मुझे बस मिनट नहीं लगा, ₹10 मेरे लग गया, भूखियां पहली दफा ये शॉप पे लगता है, मैं लेके चल रहा हूं, स्प्रिंगल है ना, स्प्रिंगल जो प्रेस में मैंने ले लिए स्प्रिंगल, नहीं यार स्प्रिंगल है, हां तुम ना नहीं नहीं स्प्रिंगल, आप चुप रहे, खाने वो मेरा है, मेरी शादी हो गई और भी है चार चार नाम, सुभान अल्लाह पहले सोच के रखे बहुत शादी ना हो, चाय की चिप्स दे दे, वो चिप्स दे दे, शुगर डाली है इसमें, हाँ डाली है, शुगर शुगर क्यों डाला मैं, शुगर चाय में शुगर डाला, मैं शुगर डाला है, मैं शुगर होंगी चाय में, ठीक है गाइस भाई, तो पी देना चाय ना, देखो ये लो अच्छा, और ये मेरे पानी की शट अप तला, अब दो ही बस बोली थी और कितनी बोली है, यहाँ पर मैंने इसलिए वॉइस ओवर नहीं क्योंकि मैं सुनाना चाहती थी आपको कि हमारे दरमियान कितनी लड़ाइयाँ चल रही थी और हम लोग एक दूसरे को सुनाई जा रहे थे और एक दूसरे का मजाक बनाई जा रहे थे, और फिर यहाँ पर सामान लेके सब बाहर आ गए और मैं भी अपनी कॉफ़ी लेकर आ गई विदाउट शुगर वाली, क्योंकि मुझे शुगर वाली बिल्कुल भी अच्छी लगती नहीं है, और यहाँ पर ये कैपेचिनो आई थिंक इसका नाम था कॉफ़ी का, अच्छा यहाँ पर ना मोटरवे पर ना बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं यकीन जाने, बहुत महंगी, और मैं कहती हूँ मेरे पास 5K था आई थिंक और वो 5 मिनट से पहले पहले ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ लिया ही नहीं था, पता नहीं कैसे लग गया, और उसके बाद यहाँ पर मेरी सिस्टर दिखा रही थी कि उसने कुछ वहाँ से ना किसी शॉप से ये लिए हैं, इसको क्या कहते हैं इसको, आय हाय की चैंस, हाँ की चैंस लिए हैं, और मैंने कहा अच्छा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने कहते हैं मैं स्पिंगर खोलने लगे, मैं कह रहा है ना दो बैग में डाल, और ये जो बैग है ना इसके पास ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था, बड़ा प्यारा है वाइट कलर में, इतना ही प्यारा है ना जिस तरह वो कहते हैं ना वो क्या होती है बोरी मतलब इसके ना डिज़ाइन ऐसा था, पर था बड़ा यूनिक और बड़ा प्यारा सा था, इसमें आप लोग कुछ मोबाइल वगैरह अपना मेकअप का कुछ सामान भी रख सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया, यहाँ पर मैंने कज़न को पीछे हो जाओ, और मैंने फिर कहा कॉफ़ी तुमने नहीं पीनी तो मुझे दे दो, कहती है मैंने नहीं पीनी तुम पी लो, मैंने कहा लाओ इधर मुझे दे दो कॉफ़ी, उसने मुझे कॉफ़ी दे दी और मैंने वो पी ली, क्योंकि मैं बहुत शौकीन हूँ कॉफ़ी पीने की, बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी में तो जान बसती है मेरी, और उसके बाद यहाँ पर मैं कॉफ़ी वगैरह ख़त्म करने के लिए आ गई, यहाँ पर मेरा भाई बैठा हुआ था म्यूज़िक लगा कर, यहाँ पर हम सारे इंजॉय करते कॉफ़ी वगैरह, और ये कॉफ़ी पर हम सब की लिपस्टिक के निशान
और यहाँ पे इतनी ज़्यादा वो स्पीड थी ना मेरे ख्याल से, इसलिए मेरे यहाँ ये भी मैंने द्रास से आई थी को, हाँ ये भी मैंने द्रास से ऑर्डर किया, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर फिर हम वापस आ गए और यहाँ पर हम रुके हैं, आई थिंक इसको क्या कहते हैं, मुझे तो ये पता भी नहीं है ये कौन सी, मतलब इधर क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ है टूल प्लाज़ा, अच्छा अच्छा ये टूल प्लाज़ा याद आ गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर सारे बातें शातें कर रहे हैं, मेरा भाई परेशान है कि क्या हो रहा है, और फिर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि चाचू के घर जाएँ कि वापस जाएँ, चाचू के घर जाएँ या वापस जाएँ। तो हम लोग फिर चाचू के घर जाने का सोच रहे थे, लेकिन हमारा कोई मूड नहीं बन रहा था। और ये मैं वॉइस ओवर करते करते मेरे बिल्ले ने मुझको काट लिया और इसको क्योंकि मैं तंग कर रही हूँ सोया हुआ था। अच्छा छोड़ें इस बात को, बाकी हम लोग पहुँच गए चाचू के घर, और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने चाचू का माशाल्लाह से घर दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा घर है चाचू मेरे का, ये देखिए वो नज़र आ गया होगा आपको। अच्छा यहाँ पर फिर हम लोग उतरे हैं और कज़न मेरे कहते हैं आज थोड़ी देर अंदर, हमने कहा नहीं रात काफ़ी हो गई है तो फिर कभी सही आएंगे। और यहाँ पर मैं उतरी हूँ क्योंकि मैं पहले अंदर जाने लगी थी और बाद में प्रोग्राम चेंज हो गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया और यहाँ पर फिर हम लोग उसको छोड़ छोड़ के वापस घर की तरफ जा रहे हैं, और यहीं पे हम अपने व्लॉग को करते हैं एंड। जज़ाकअल्लाह तमाम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई से नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको जाएं। आप शशके मार रही थी अपने वो दिखा कर जो मैंने पहने हुए ब्रेसलेट्स, हाँ। और फिर यहाँ पर हम लोग अपने घर की तरफ आ गए हैं, और उसके घर आने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम गाड़ी में ही हैं, सफ़र कर रहे हैं थोड़ा बहुत अच्छा जाते जाते मैं इतने कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, कोई नहीं कोई आपको कुछ जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने इधर का बाज़ार दिखा रही थी, ये हमारा रोड है, हमारी सिटी का बड़ा गंदा सा देखने वाला तो है नहीं, फिर भी मैं दिखा रही हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर हम लोग पहुँच गए हैं घर, और यहीं पे करते हैं व्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।